फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपको बॉर्डर बताऊंगी, स्वेटर बॉर्डर। और बहुत ही इजी बॉर्डर है, बिल्कुल अलग तरीके का बॉर्डर है। और थ्री के मल्टीपल में ये बॉर्डर बनेगा, 2+1, 2+1, इस प्रकार से ये बॉर्डर बनेगा। तो इसे बनाना आइए, हम शुरू करते हैं। अब देखिए, आप फंदे डालो। फंदे डालने के बाद इस बात को आपको ध्यान देना, जैसे फंदे डालने के बाद अगर आपका इस साइड उल्टा आता है, ये सीधा है हमारी राइट साइड और ये हमारी बैक साइड, तो हमारी फर्स्ट रो जो है वो यही उल्टे की तरफ पड़ रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो एक सिलाई हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इतना ध्यान दीजिएगा, अगर फंदे डालने के बाद आपका फर्स्ट रो आता है उल्टे की तरफ, तो आप एक सिलाई उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लो। अगर डायरेक्ट सीधे की तरफ आ रहा हो तो आप डायरेक्ट बॉर्डर बनाओ। ये तो देखिए, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। ये सिर्फ हमारी एक बार, पहली बार पड़ेगी, वो भी जब हम फंदे डालेंगे इधर उल्टा रहेगा। तो अब देखिए, अब हम बॉर्डर को शुरू करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है, बिल्कुल न्यू बॉर्डर है, ऐसे ही मिलता जुलता, वो भी अलग है। मैंने एक बॉर्डर बनाया है ऑलरेडी, चैनल पे अपलोड हुआ है। देखिए, पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और धागे को पीछे करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, हम दो तरीके से बताएंगे आपको। अब देखिए, आप पहले ये वाला, इस फंदे को छोड़कर आपको दूसरे वाले फंदे में सीधे बुनने हैं, ये इस फंदे। ध्यान से देखिएगा, ये बुन लिए, अब आगे वाले फंदे में बुनने हैं जी। ये अब दोनों फंदे को एक साथ स्लिप कर देने, उतार देने हैं ये। अब धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, अगर आपको ऐसा बुनना हो तो आप ऐसा बुनो, अगर ऐसा नहीं बुनना हो तो आप पहले आगे पीछे कर लीजिए। ये इस प्रकार से कर लीजिए। इसके बाद एक सूत, पहले ये वाला सीधा बनाइए, फिर ये वाला। अगर आपसे बने तो आप डायरेक्ट वैसे बना लो, और अगर ना बने तो आप ऐसे टर्न कर लो, इसके बाद बनाओ। तो सीधा हो गया, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आपको टर्न ना करना हो तो आप यहीं से ऐसे ही बना लो, ये देखिए। इसके बाद आगे से बस, आपको जो भी तरीका इजी लगे, ऐसे इजी लगे तो ऐसे, इसके पहले मैंने जैसे बताया वैसे इजी लगे तो ऐसे, कोई भी तरीका से आप बनाओ, बॉर्डर ऐसे ही बनेगा। ये देखिए, पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, अब दूसरी सिलाई उल्टे की तरफ। अब देखिए, पहले को हम स्लिप कर लेंगे और दूसरा हमारा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, एक दो, जो इधर दो हम सीधा बुने हैं, इधर हम दो उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा, मतलब दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, ये हमारी उल्टे की तरफ है, और धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब देखिए, यही टू रो हमको बार बार कंप्लीट करनी है। जो उधर हम दो बनाए हैं सीधा, इधर दो उल्टा एक सीधा, दो उल्टा एक सीधा, फिर से हम आगे सीधे की तरफ। आप देख लीजिए, दो ही डिज़ाइन, दो ही सिलाई हमने बनाए, लेकिन आपको बॉर्डर पता चल रहा होगा। तो बस यही हमको टू रो बार बार रिपीट करनी है। तो देखिए, ये हमारा बॉर्डर बनकर कंप्लीट होगा। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत बॉर्डर लग रहा है बनने के बाद। ये देखिए, अब बहुत ही अलग है। ये देखिए बैक साइड, आप इसे भी डाल सकते हो, मतलब आप इसे भी राइट साइड कर सकते हो। और एक बात, ये आप स्वेटर के डिज़ाइन पे भी डाल सकते हो। जैसे नीचे आप कोई भी बॉर्डर बना रहे हो तो आप इसे स्वेटर के डिज़ाइन में डाल दो, बिल्कुल रेडीमेड जैसी लगेगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखिए, दोनों तरफ ही आप यूज़ कर सकते हो, इधर भी और इधर भी। तो फ्रेंड्स, आपको ये बॉर्डर कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।